हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वे टू कार्स। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। यार मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो यार आज हम लोग सर्विस कराने वाले हैं अपनी ब्रेजा की। तो आप सब लोग जो भी चैनल पे पुराने हैं आपको पता ही होगा कि हमारे पास एक ब्रेजा भी है। तो जी हाँ, आज हम मेरठ आए हुए हैं और ये जी अपनी टियागो खड़ी है। टियागो के ऊपर भी बड़ा इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाला है। तो भाई जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो जी ये है अपनी ब्रेजा जो कि पेट्रोल में 1.5 लीटर वाली है। और मैं बात करूं तो ये बिल्कुल वो है जो प्री फेस लिफ्टेड वर्जन है 1.5 लीटर वाली BS6। तो आज इसकी सर्विस हम कराने वाले हैं और 20,000 किलोमीटर्स वाली इसकी सर्विस है। यार आप देख सकते हो ऑलमोस्ट कार को 2 साल हो जाएंगे इस वाले, अब कमिंग जनवरी में, तो ऑलमोस्ट 1.5 साल पुरानी गाड़ी है ये। और संजू ये कार चलाता है। तो चलो जी बैठते हैं और आज देखते हैं मारुति का भी सर्विस एक्सपीरियंस, क्योंकि ऑलरेडी टाटा के ऊपर तो हमने इतने सारे डिस्कशंस किए हैं कि कैसी सर्विस है उनकी और क्या है एग्जैक्टली। तो आज मज़ा आने वाला है यार। तो आज मारुति का सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस भी हमें मिलेगा देखने के लिए। अगर मैं आपको कार दिखाऊँ कार की रनिंग, तो कार जो चल चुकी है जी वो चल चुकी है ऑलमोस्ट 19,857। तो आई थिंक संजू ये तो पेड सर्विस होगी पूरी। हाँ, लेबर भी वाली पेड सर्विस है। तो जी अब आ जाए एक आइडिया लग जाएगा कि ब्रेजा की पेड सर्विस कितने की होती है, और लोगों को भी जो लोग ब्रेजा ओन करते हैं ऑलरेडी तो उनकी क्या ही सर्विस कॉस्ट पड़ेगी, उससे आज आपको पूरा पूरा आइडिया ये लग जाएगा। तो जी बने रहना वीडियो में, बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है ये आज की वीडियो और बहुत ज्यादा लंबी नहीं खींचेंगे। अब चलते हैं जी सीधा सर्विस सेंटर और दिखाते हैं आपको कहाँ पे हम इस कार की सर्विस करवा रहे हैं। तो भाई हम लोग आ गए हैं अब शोरूम पे। तो घर से तो काफी दूर पड़ता है यार, ये काफी सारे और भी हैं लेकिन यहाँ से कराने का रीजन ये है कि ये थोड़ा ट्रस्टवर्दी है तो इस वजह से यहाँ करवा रहे हैं। और चलो जी अब अंदर पहुंचते हैं और दिखाते हैं आपको क्या इसका एस्टिमेट आता है। कार लगा दी है सर्विस के लिए, अब इसकी सर्विस करवाएंगे। बाकी कुछ ऐसा है यार सर्विस सेंटर, आप देख सकते हो इनका सारा सर्विस का वो है जो लिफ्ट्स लगती हैं। यार कहीं ना कहीं टाटा वाला सर्विस सेंटर कुछ ज़्यादा बेटर लगा अपना। बाकी तो देखते हैं यहाँ का सर्विस एक्सपीरियंस देखते हैं और एस्टिमेट बनवाते हैं कितने का एस्टिमेट बनता है। ये अपनी कार का पूरा एस्टिमेट है और करीब 5800 रुपये का एस्टीमेट आया है। और बेसिक चीज़ें हम करा रहे हैं, इंजन ऑयल चेंज हो रहा है, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और कुछ लुब्रिकेशंस हैं जो ब्रेक से रिलेटेड हैं। तो ये कुछ बेसिक इसमें चेंजेस होने वाले हैं और बाकी सर्विस की जो इनकी लेबर है वो है 1760 रुपये, ऑलमोस्ट 1800 रुपये प्लस 18% GST। तो अब मारुति की सर्विस यार सस्ती तो नहीं रही किसी भी तरीके से। बाकी देखते हैं यार सर्विस का एक्सपीरियंस क्या रहता है। कितना टाइम लग जाएगा भैया सर्विस में? टाइम लग जाएगा पेड़ सर्विस आपके लगभग 3.5 घंटे का लगेगा। तो 3-3.5 घंटे का ये टाइम बता रहे हैं। तो चलो जी देखते हैं। भाई ये अपनी कार की जो सर्विस है वो स्टार्ट हो गई है और आप देख सकते हो भाई अभी इसके टायर्स ओपन हुए हैं तो ब्रेक्स एक बार चेक हो रहे हैं। तो हम क्या प्लान कर रहे हैं, साथ के साथ जब टायर्स ओपन हो ही गए तो टायर रोटेशन भी करा दें, वो भी इम्पॉर्टेंट है तो वो भी करा देते हैं। बाकी तो यार अभी तक तो मुझे सर्विस में वो मज़ा नहीं आया कि लोग जैसे टाटा को बहुत बुरा बोलते हैं और मारुति को अच्छा बोलते हैं, वो चीज़ मुझे नहीं दिखी है। क्योंकि ऑलमोस्ट हमें, अगर मैं बात करूं तो मैं 12:30 के आसपास आया था और करीब 2 बज चुके हैं और अब कार इन्होंने यहाँ लगाई है, यहाँ तक कि अभी तक कार धुली भी नहीं है। तो अब इन्होंने लिफ्ट पर लगाई है। बाकी देखते हैं जी, पूरा फाइनल एस्टिमेट देता हूँ मैं आपको, बताता हूँ और कितना खर्चा आया है एग्जैक्टली। तो मिलते हैं जी थोड़ी देर बाद। भाई अब अपनी कार की अब वॉशिंग चल रही है। तो वॉशिंग बे आप देख सकते हो यार बड़ी खस्ता हालत में वैसे तो मारुति का, और ये कोई छोटी मोटी डीलरशिप नहीं है यार, TR साहनी वाली डीलरशिप है भाई, वहाँ पे ये हाल है। तो ये है यार कुछ, तो अभी वॉशिंग हो रही है, बाकी तो सारा काम कंप्लीट हो गया है कार का। तो देखते हैं यार अभी कितना टाइम लगता है। मेरे ख्याल से यहाँ से आधा घंटा लगना चाहिए। एक चीज़ इनकी बहुत अच्छी लगी मुझे जो थी इनकी टाइम की चीज़, उन्होंने जो मुझे टाइम कंफर्म किया था, जैसे कि 12:30 हमने गाड़ी लगाई थी और अभी 4:15 हो रहे हैं तो ये 4:15 तक कार डिलीवर कर देंगे। सो यार ये है कुछ बिल हमारा जो कार की सर्विस का आया है। तो जो एस्टीमेट था उससे काफ़ी कम कॉस्ट आई है, 4179,
सो 4180 रुपये में हमारी कार की सर्विस हो गई है, जो कि फोर्स सर्विस थी 20,000 किलोमीटर्स की। तो इस पर कूलेंट हमारा रिप्लेस हुआ है और ऑयल फिल्टर, ब्रेक फ्लूइड चेंज हुआ है और सिंथेटिक ऑयल चेंज हुआ है जो इन्होंने किया है। तो ये कुछ कॉस्ट है यार, तो मेरे हिसाब से तो ये ठीक है। बाकी चलो मैं अब आपको कार दिखाता हूँ एक बार अंदर बैठ के। ये कार आ गई है सर्विस होके और मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूँ आपको। कार देखो आप कितनी गंदी है अभी भी, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रही उन्होंने सफाई कैसे की है। ये कुछ डॉट भी लगा हुआ है इस पर जो हमने कार ली थी उसका ही। तो सर्विस होके आ गई है, अब एक बार हम इसकी रोड टेस्ट पे जाएंगे और देखते हैं कार में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके बाद फिर फाइनली कार रेडी रहेगी। अब सर्विस तो कंप्लीट हो गई है, अब यार बिल तो मैं वैसे तो आपको दिखा ही चुका हूँ बिल क्या आया है, और करीब 4100 कुछ का बिल था, 41 समथिंग, मतलब जो इनवॉइस वैल्यू है। और कार की अगर मैं सफाई की बात करूँ तो भाई वो अप टू द मार्क नहीं है। अगर मैं देखो, मैं आपको शीशा दिखाता हूँ, मतलब काफी देर तो हमने ये चीज, उसके बाद भी मतलब आई डोंट नो इसमें कैसे दिख पाएगा। चल हाँ बच रही है। सो अगर आप शीशे पे देख पा रहे होंगे, नहीं यार इसमें नहीं दिख रहा, शीशे पे प्रॉपर वाइपर्स की बहुत गंदी एक लाइन खींची हुई है, आप साइड का शीशा देख ही सकते हो। ये मतलब अभी सर्विस होके गाड़ी आई है और इसका हाल देखो भाई, और बाहर से भी कुछ ऐसे ही हाल है इस टाइम गाड़ी के। तो एक चीज तो वो सफाई पॉइंट ऑफ व्यू से, और जी अगर मैं बात करूं अंदर भी तो जो पॉलिश जो है जी वो अननेसेसरीली इतनी ज्यादा यूज कर दी है, मतलब इसका मुझे लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा है। वो ऐसा हो गया कि हमें लग रहा है कि अभी गाड़ी पता नहीं हम कौन से मॉइस्चर से ही बाहर निकाल के लाए हैं। और उसके बाद एक चीज बड़ी अजीब हुई यार अभी तक, जो मैंने किसी भी शोरूम में फेस नहीं की थी भाई। सबसे पहले तो इनके सर्विस सेंटर का आपने अंदर से हाल देखा ही होगा, क्या हाल हुआ पड़ा है पूरा, मतलब इतना TR सानी जो है ऑलरेडी, ये काफी नामी डीलरशिप है, जो लोग दिल्ली NCR से हैं वो सबने TR सानी का नाम सुना होगा। ये सर्विस सेंटर का हाल उनका था जो जिस तरीके से वो मेंटेन था भाई, टाटा का जहां मैं सर्विस कराता हूँ वो उससे फार बेटर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जब मैं वीडियो बना रहा था तो जो सर्विस एडवाइजर था, देखो यार वो उनकी पर्सनल कॉल है, मैं उसमें बिल्कुल ये नहीं बोलूंगा कि नहीं उसे आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था, वो उसकी पर्सनल कॉल है। उसने बोला, अब उसने शायद चाहे इसी तरीके से बोला कि सर हमें पसंद नहीं है वो, सॉरी हमारे यहाँ अलाउड नहीं है। मैंने कहा ठीक है, वो मुझे समझ में आ गया था उसे नहीं है पसंद वीडियो में सामने आना। मैंने कहा ठीक है आप मुझे वो दिखा दो जॉब कार्ड, मैं उसमें से देख लेता हूँ। मैंने वो वीडियो बना ली। फिर उसके बाद जब कार में हमारी कार वॉशिंग बे पे लगी हुई थी, वॉशिंग हो रही थी कार की, तो मैं वीडियो बना रहा था, पीछे से वो लोग आते हैं और बोलते हैं कि सर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। फिर मेरा दिमाग यार, मैंने कहा क्यों अलाउड नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि भाई पहली बार किसी शोरूम पे वीडियो बना रहा था मैं, मेरी खुद की कार की सर्विस होती है, मैंने इतनी वीडियोस बनाई है शोरूम में, इतनी वीडियोस मैंने आज तक बनाई है, जो लोग चैनल पे पुराने उन लोगों ने देखी भी है काफी वीडियोस मेरी, ये कैसे हो सकता है कि वीडियो बनाना अलाउड नहीं है और मेरी खुद की गाड़ी की मैं वीडियो नहीं बना सकता। उसके बाद उन लोगों का अगर आप जस्टिफिकेशन सुनोगे तो वो लोग ये बोलते हैं कि सर जो कार का सफाई वाला लड़का है ना उसे इस चीज से ऑब्जेक्शन है। मैंने कहा उसे इस चीज से क्या ऑब्जेक्शन है यार, वो अपना काम कर रहा है, मैं उससे बात नहीं कर रहा, उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरे लिए मेरा काम है, वो उसका काम है, मैं उसे अगर उसमें डिस्टर्ब करूं तो उसे ऑब्जेक्शन होना चाहिए। फिर मैंने कहा उसे क्या ऑब्जेक्शन है, तो वो अब जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं ना भाई, वो आपने ना कभी सुनी होगी और ना ही कहीं सुनोगे। वो बोलते हैं कि सर कल इसकी शादी वादी होगी और वो कहीं उनके पास वीडियो पहुंच गई कि जी ये लड़का तो गाड़ी साफ करता है तो फिर शादी कैसे होगी। अब बताओ यार इस चीज का क्या लॉजिक है, मतलब मेरी गाड़ी, मैंने इतने पैसे उस पर इन्वेस्ट करे हैं, सर्विस करा रहा हूं, सर्विस में पैसे भर रहा हूं, मैं वीडियो इसलिए ना बनाऊं क्योंकि वो जो गाड़ी सफाई करने वाला बंदा है कल उसकी शादी कैसे होगी अगर मैं वीडियो बना दूंगा। मतलब इतनी लॉजिकल चीजें थी कुछ यहाँ पे जो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई भाई। देखो इन्होंने गाड़ी जिस टाइम पे बोला था उस टाइम पे डिलीवर कर दी, लेकिन बहुत चीजें ऐसी थी जो बड़ी गलत थी, मतलब ये कहीं ना कहीं जो ट्रांसपेरेंसी वाली चीज है उस पे क्वेश्चन करती है मारुति के। तो ये था यार, बाकी अगर मैं सर्विस कॉस्ट की बात करूं तो वो यार ठीक थी, मतलब एक 1500 cc की कार की आपकी 4100-4200 में सर्विस हो रही है और तो भाई इससे सस्ता क्या ही होगा, तो मेरे हिसाब से तो वो था। बाकी तो संजू अपना फीडबैक देगा, एक बार संजू की गाड़ी है ये, संजू कैसा एक्सपीरियंस है भाई तेरा? एक्सपीरियंस मतलब मैंने जो पहले मारुति का देखा है इतना अच्छा रहता ही नहीं है, क्योंकि एक तो क्वालिटी नहीं मिलती
क्वांटिटी बहुत आती है उनके पास गाड़ियों की, इसकी वजह से वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। सेम आज भी वही हुआ हमारे साथ कि भाई एक जो थोड़ा ना, जैसे टाटा में अब लोग अच्छे आने लगे हैं, पर्सनली अगर मैं वैसे देखूं तो डिसेंट से एजुकेटेड लोग आने लगे हैं, बट यहाँ पे थोड़ा भी वैसा कल्चर है, थोड़े लड़ाकू टाइप लोग जो बस आते हैं कि भाई चाय पिला दो, ये कर दो, वो कर दो, तो वैसे वाले लोगों को डील करने की इनको हैबिट होगी। अब थोड़े पर्सनल इश्यूज भी लग रहे थे, जैसे उन्हें लग रहा था कि यार ये वीडियो की बना रहे हैं, शायद कोई नेगेटिव प्रमोशन ना कर दे हमारा, कि हमारा जीएम को निकाल देता या निकाल दिया था, बट वो इतना लॉजिकल मुझे भी लगा नहीं कि वो कोई सेंस बना रहा था कि भाई हमारे वॉशर जो वॉशिंग कर रहा है बंदा उसे पसंद नहीं है वीडियो बनाना। भाई हमने तो नहीं बोला उसे वीडियो में आने के लिए, साइड भी हो सकता है, एक तो इतने देर में वॉशिंग बे में चढ़ती है यहाँ पे गाड़ी। और सबसे बड़ी चीज यार, हमारी गाड़ी हमने पैसा इन्वेस्ट करा है, हम अपनी कार की वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि वॉशिंग वाले को पसंद नहीं है, भाई ये क्या बात हुई? तो मतलब आप किसी भी तरीके से इसे जस्टिफाई कैसे कर सकते हो यार? सब जो काम कर रहे हैं यार, काम अपनी अपनी एबिलिटी के हिसाब से, अपनी स्किल्स के हिसाब से कर रहे हैं, और अगर आपको इतनी शर्म आ रही है ये काम करने में तो भाई फिर मत करो, फिर उसमें देखो कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है इसमें, और ये बिल्कुल भी कोई ऑफेंसिव नहीं है, बिल्कुल भी ऑफेंसिव चीज नहीं है ये, बट यार अगर आपको आपके काम में शर्म आ रही है तो मत करो फिर। आप जो काम कर रहे हो उसमें ये भी है कि हम लोग अपने हिसाब से अपनी कार की सर्विस, मतलब वीडियो नहीं बना सकते यार, मतलब ये तो मेरे हिसाब से तो बड़ा अजीब था। मतलब बाकी तो मुझे तो इसलिए लगा कि थोड़ा सा उन्हें एक कंसर्न था कि यार अगर ये दिखा देंगे ये चीजें, या फिर इन्होंने कुछ दिखा दी हमारी यहाँ पे सर्विस स्टेशन पे अच्छा नहीं हो रहा, तो इन्हें प्रॉब्लम ना हो जाए फ्यूचर में। बट हमने ऐसा कुछ कराया ही नहीं था तब तक, ना हमारे मुंह से एक भी कुछ गलत निकला, हम तो अपनी गाड़ी दिखा रहे थे नॉर्मली कि भाई ये सर्विस है, और वॉशिंग एरिया में वॉशिंग एरिया ऐसा है, वो तो हर गाड़ी मतलब हर शोरूम का दिखाना चाहिए कि भाई वॉशिंग की क्वालिटी क्या है, उसमें दिक्कत क्या है। आदमी एक एक्सपेक्टेशन लेके जाता है जब भी जाता है शोरूम पे, काम हमारा यही है कि वो दिखाए हम कि हमें कैसे एक्सपीरियंस मिला, बट एरिना का अभी तक हमारा अच्छा रहा ही नहीं है, पिछली बार का भी अच्छा नहीं था एरिना का एक्सपीरियंस, और अभी का भी अच्छा नहीं था। नेक्सा का मैंने सुना है कि बहुत अच्छा है, तो नेक्स्ट टाइम नेक्सा में करा लेंगे सर्विस। कॉस्टिंग को लेके वो मुझे यहाँ की चीजें अच्छी लगी जो मारुति ऑफर करता है मेनली, जैसे हमें इंश्योरेंस के टाइम पे एक कूपन अलॉट हुआ था 750 का डिस्काउंट वाला, वो अप्लाई हो गया, प्लस फिर अभी ऑटो कार्ड आता है इनका एक, वो उससे हमें डिस्काउंट मिल गया, उसमें मेरे पॉइंट्स थे, तो उससे मेरी इफेक्टिव कॉस्ट बहुत ही कम हो गई। वैसे अगर हम देखें तो जो हमें एस्टिमेट मिला था वो 7400 का मिला था इनिशियली, उसमें से हमने बस इनसे व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग हटवाई है, बाकी सब तो हमने रखवाया, और उसमें भी इन्होंने हमें डिस्काउंट दे दिया। ब्रेक की जो क्लीनिंग वाला प्रोसेस था लेबर थी, उसमें 50% डिस्काउंट दे दिया, तो इफेक्टिव कॉस्ट हमारी 3700 पड़ी विद जीएसटी वगैरह, तो मेरे लिए तो बहुत ही सही थी वो। और यार एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, फिर मैंने उनके सामने ये चीज हाईलाइट की कि भाई ऐसे ऐसे मेरा यूट्यूब चैनल है, और यार 100 बातों की बात, फिर मुझे उन्हें इस तरीके से समझाना पड़ा कि भाई कल आप कार लोगे, आप भी तो चेक करोगे ना भाई, कार के रिव्यूज भी चेक करोगे, आप कार की सर्विस कैसी है, आपके एरिया में कैसी सर्विस है वो आप चेक करोगे। तो मैं कल, अब देखो ऐसा नहीं था कि मैं उन्हें डिफेम करना चाहता या कुछ भी चाहता था, लेकिन वो उस टाइम पे डिबेट बन गया इस चीज पे, क्योंकि कहीं ना कहीं यार मैं भी इस चीज पे, मैं भी 100% श्योर नहीं हूँ इस चीज को लेके कि भाई क्या ट्रांसपेरेंसी है इनके पास, क्योंकि गाड़ी की अगर मैं आपको बाहर से अभी दिखाऊंगा ना सफाई, एक बार घर पहुंचता हूं मैं आपको पहले बाहर से भी गाड़ी की सर्विस सफाई भी जरूर दिखाऊंगा कितनी सफाई इन्होंने करी है लोकल जैसे। बाकी यार मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ही खराब है, मतलब शायद मैं तो बिल्कुल मारू था कि कोई कार ना लूं, बल्कि मैं और संजू भी डिस्कस कर रहे थे कार में कि जी हो सकता है ऐसा कि कभी भी अगर मैं कार अब स्विच करूं तो शायद मैं ब्रेजा या ग्रैंड विटारा लूं ऑटोमेटिक, लेकिन अब बिल्कुल प्लान नहीं है भाई, बेटर ये ठीक है जी क्रेटा ले लेंगे, बट इनके नहीं लेंगे, टाटा की करवा रही है वो ले लूंगा, मेरा टाटा के साथ सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस अभी तक बहुत अच्छा था और इनके साथ ऐसा रहा। और यार एक बार वो मेरा डिबेट हो गया भाई, वो डिबेट होने के बाद इनके हिसाब से मैं कोई कस्टमर नहीं हूं, कुछ नहीं हूं, मैंने इनसे पानी मांगा, 15 मिनट तक ये पानी लेके नहीं आए, उसके बाद वो पानी जब वो मेरी एक बार वो आई कॉन्टेक्ट उससे बार बार होने लग गया बंदे से जो बिलिंग कर रहा था, उसके बाद उसने अपनी पानी की बॉटल मुझे पकड़ा दी कि सर लो पानी पी लो। आप मुझे बताओ भाई ऐसे पानी कहाँ दिया जाता है, उससे पहले जब मैं एंटर हुआ था तो मुझे ग्लास में पानी मिल रहा था वहां पे। तो यार यही कुछ था यार आज की वीडियो में, बड़ा खराब दिन हो गया यार, मतलब पूरा दिन ही वेस्ट हो गया यहाँ पे फालतू में,
मैंने तो सोचा था अच्छा एक्सपीरियंस होगा, और बस ठीक है यार, यही था आज की वीडियो में। अगर अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, और ज्यादा से ज्यादा सबसे जरूरी बात है यार, लोगों के साथ शेयर करो भाई, लोगों के साथ शेयर करो। ये लोग नहीं सुधरेंगे जब तक भाई आप क्वेश्चन नहीं करोगे। तो जितना ज्यादा से ज्यादा वो वीडियो को शेयर करना, और भाई चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।